आगे बढ़ेंगे। टीम 9 के अधिकारियों के साथ मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने निजी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया है और फैसला किया है। अब कोरोना काल में निजी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होने पर 7 दिन की छुट्टी ले सकेंगे। और सीएम की तरफ से क्या ऐलान किया गया, क्या फैसला लिया गया, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 के साथ मंथन किया, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार हर एक प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोगों में पैनिक ना हो और उन्हें सही, सटीक और समुचित जानकारी दी जाए। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय निजी कार्यालयों में एक समय में 50% कार्मिकों की भौतिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू की जाए और आवश्यकता अनुसार वर्क फ्रॉम होम और संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन समेत अवकाश अनुमान्य कराया जाए। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो, बिना स्क्रीनिंग किसी को भी प्रवेश बिल्कुल भी ना दें। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत टीकाकरण कार्य को और तेज करने की जरूरत है और इसी क्रम में घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध रूप से जनपदों को चिन्हित करते हुए 100% टीकाकरण का लक्ष्य तय किया जाए। मतदान तिथि के 10 दिन पहले तक संबंधित जनपद के हर एक नागरिक को टीका कवर मिलना सुनिश्चित किया जाए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। तो टीम 9 को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है साफ तौर पर और ये भी कहा है, ये भी सुनिश्चित करने को कहा है और ये भी लोगों से अपील की है कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो, परेशान ना हो, सभी को सही, सटीक और समुचित जानकारी दी जाए। ये भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है। सरकारी प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चले, वर्क फ्रॉम होम बढ़ावा दिया जाए इसको, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला हुआ है। तो कोरोना पॉजिटिव होने पर 7 दिन की छुट्टी दी जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक के बाद ये कहा है। तो कर्मचारी को वेतन समेत छुट्टी दी जाए, सभी ऑफिस में कोविड हेल्प डेस्क जरूरी है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। बिना स्क्रीनिंग किसी को प्रवेश बिल्कुल भी ना दे, यानी कि कोई भी अगर ऑफिस में आता है या फिर कार्यालय में आता है तो उसकी जांच पहले कराया जाए, स्क्रीनिंग पहले कराया जाए, जिससे संक्रमण का पता लग पाए। कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में अनुपालन जरूरी है। हालांकि ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि घबराने की, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और इसके अलावा ये भी कहा है कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य तय किया जाए, मतदान के दिन पहले सभी को टीका कवर मिलना तय करें, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को बढ़ावा दिया जाए, विशेष परिस्थिति में ही लोग मरीज अस्पताल पहुंचे, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो ये फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है और बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला है। तो मरीजों के लिए हर एक सुविधा प्रदान की जाए, हर एक व्यक्ति का रखरखाव या फिर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उसके लिए ये तमाम बातें, ये ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। आपको बताएं कि टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री नियमित तौर पर बैठक भी करते हैं और उसमें लगातार फैसले भी लिए जाते हैं, जिसमें से आज का फैसला बेहद महत्वपूर्ण रहा। तो कर्मचारियों को वेतन समेत छुट्टी दी जाए, कम से कम 7 दिन की छुट्टी दी जाए। हालांकि ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि 7 दिनों में किसी के भी पैसे नहीं काटे, यानी कि इन 7 दिनों का पैसा भी कर्मचारियों को दिया जाए। तो नोडल अधिकारियों को जिलों में 3 दिन तक भेजा जाए, जिलों में ICCC को 24 घंटे एक्टिव रखा जाए और घर घर संपर्क कर बिना टीकाकरण वालों को चिन्हित किया जाए। कुल मिलाकर ये है, इतना समझ लीजिए कि टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर खुद को सुरक्षित रखना है। सभी बातों का ख्याल रखना होगा, टीकाकरण कराना होगा और ना केवल एक डोज बल्कि दोनों डोज लेना ज़रूरी है वैक्सीन की। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए, मुख्यमंत्री ने ये टीम 9 के साथ जब बैठक की तो ये फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को टीका लग रहा है या नहीं, कौन से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज ही नहीं ली है, जिन्होंने पहला डोज लिया है तो दूसरी डोज उनको लगना अनिवार्य है, दूसरी डोज वो लगवाएं जरूर। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है कि अगर कोई संक्रमित होता है तो 7 दिन का अवकाश दिया जाए और उन 7 दिनों की छुट्टी के पैसे भी उनको दिए जाएं।
तो महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी आगे की तमाम जानकारी देंगे। प्रदीप, टीम नाइन के साथ मुख्यमंत्री की नियमित बैठक रहती है, लेकिन आज का जो फैसला लिया है मुख्यमंत्री ने वो बेहद महत्वपूर्ण है, विस्तार से बताइएगा पूरी खबर को। देखिए दीपिका, अगर हम बात करें सबसे पहले टीम नाइन के साथ जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री की, उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला दिया है, जो निर्देश दिए हैं, वो ये है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर 50% की प्रेजेंटेशन हो, उससे ज़्यादा की प्रेजेंटेशन ना हो। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना इस दौरान हो गया है उस प्रतिष्ठान में करने वो काम करने वाले व्यक्ति को, और उसमें एक चीज़ और है कि उसमें इस बार इस लैब में मीडिया को भी उन्होंने रखा है, अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो 7 दिन उसको छुट्टी दिया जाएगा और 7 दिन की जो सैलरी है वो संस्थान बिल्कुल नहीं काटेगी। तो ये एक बड़ा फैसला है और आम राहत देने वाला फैसला है। इसके अलावा जो टेस्टिंग है और टीकाकरण है, इस पर जोर देने के लिए उन्होंने जिलाधिकारियों को सुनिश्चित किया है कि जहां भी पोलिंग बूथ है, जैसे मान लीजिए कि 3 फरवरी को लखनऊ में वोट होना है, तो 3 फरवरी के 10 दिन पहले तक उस लखनऊ जिले के सभी लोग 100% जो है टीकाकरण उनका हो चुका हो, ये सुनिश्चितता जो है जिलाधिकारी के सर पे डाली गई है कि ये जिम्मेदारी है और आपको ये करना ही करना है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी है। मतलब 100% टीके से कवर जो है होना है, वही व्यक्ति जो है पोलिंग बूथ तक आएगा, और 100% अगर कन्फर्म नहीं है वो तो क्यों नहीं, इसकी जवाबदेही बाकायदे जिलाधिकारी को लिखित में देनी होगी। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो सीएम योगी ने आज मीटिंग के दौरान लिए हैं। दीपिका बिल्कुल प्रदीप, और एक बार और यहाँ पर, क्योंकि फैसला तो महत्वपूर्ण है लेकिन कब से लागू होगा, क्या आज से ही लागू है, और अगर जो संस्थान इस नियम को नहीं मानती हैं तो क्या कार्रवाई उन पर की जाएगी? निश्चित रूप से ये फैसला आज से ही लागू है, और जो संस्थान इस नियम और कानून को नहीं मानता है उसके साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, कोविड महामारी के तहत केस दर्ज किया जाएगा, और अगर किसी जिले का जिलाधिकारी इस निर्देश को अनसुना करता है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि सीएम योगी ने बहुत ही स्पष्ट और कड़े रूप में ये निर्देश दिया है और इस निर्देश का पालन आज से ही पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। बिल्कुल प्रदीप, और एक अच्छा फैसला इसे कहा जाएगा, क्योंकि कई बार तो लोग इसी के चलते भी नहीं बताते हैं कि वो संक्रमित है, कि इतनी सारी छुट्टियां हो जाएंगी और उनका वेतन भी काट लिया जाता है। अब ऐसे में ये अगर सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो खुद सामने आएंगे, जांच भी करवाएंगे और निश्चिंत रहेंगे कि आगे उनका वेतन नहीं कटेगा। बिल्कुल दीपिका, जिस तरह हमने पिछले 2 फेज में देखा कि कई लोगों की नौकरी छूट गई, कई लोगों के जो संस्थान थे नौकरी से निकाल दिया उनको, कोई सहयोग नहीं किया, और ऐसी स्थिति में लोगों के सामने भुखमरी का जो है सीधा सीधा एक रास्ता आ गया। लेकिन अब क्या है, इस फैसले के बाद संस्थान को भी अपने जो इम्प्लॉई हैं उनका ध्यान रखना होगा, जो इम्प्लॉई हैं वो भी ये सुनिश्चित करेंगे कि 7 दिन तक हम क्वारंटाइन हो चुके हैं, 8वें दिन हम ड्यूटी आ रहे हैं, तो दोनों का तारतम्य बना रहेगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी और जो है भुखमरी का जो एक सामने परिदृश्य आ जाता था वो नहीं आएगा। तो आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है ये सीएम योगी ने जिस तरह से आज निर्देशित किया। हालांकि वो आलमबाग स्थित एक टीकाकरण केंद्र पे भी गए थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये चीज़ बताया है कि इसके अलावा भी अगर हो सकता है संक्रमण की स्थिति अगर बढ़ती है तो प्रदेश में हम वीकेंड लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि अन्य कई राज्यों में, राजस्थान में, दिल्ली में, तमाम राज्यों में जो है वीकेंड लॉकडाउन की जो है प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है, तो उसको देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अहम फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लिया है। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी हम तक।